थॉट, चिंतन, हमारे चिंतन, हमारा हमारी सोच, हम किस तरह से सोचते विचारते हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा काम करते हैं, तो हमारी आदत बनती है। आदत लंबे समय तक बनी रहेगी, देखिए सर स्क्रीन पे, आदत लंबे समय तक बनी रहेगी तो वही स्वभाव बनेगा, वही संसार बनेगा, चरित्र बनेगा। और ये जो होते हैं हमारे व्यक्तित्व के परिचायक होते हैं। जिसके शानदार पर्सनैलिटी बननी है उसके थॉट्स अच्छे होने चाहिए, उसकी दिनचर्या में आदतें अच्छी होनी चाहिए, दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, आदतें शानदार होनी चाहिए, दूसरों के लिए वो मार्गदर्शन का काम कर सके, रोल मॉडल टाइप बन सके, संसार उसके अच्छे होने चाहिए, उसका कैरेक्टर चरित्र अच्छा होना चाहिए, तभी तो उसको अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति देंगे, है ना। और ये नीचे संवेदना और श्रद्धा जो लिखी हुई है, ये जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है वो अच्छे लोगों का अनुकरण करता है, संवेदनशील व्यक्ति होता है, संवेदनशील जो व्यक्ति होता है वो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, वो कर्मार्थ करता है, उसी का करियर शानदार होता है। बिना संवेदना के किसी का करियर ऊंचा नहीं हो सकता, व्यक्तित्व उच्च नहीं हो सकता। तो ये आंतरिक व्यक्तित्व है, तो दो घटक है हमारे व्यक्तित्व के, या दो प्रकार है ना, कौन कौन से, एक आंतरिक और दूसरा, और ये मालूम होना चाहिए।